हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम के ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बायोलॉजी के 3 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज से हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डैट हेमिकोर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट इज, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि हेमिकोर्डेट और कॉर्डेट दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, या फिर अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉर्डेट्स में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो देखिए, कॉर्डेट्स में टोटल 4 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है एक ट्रिक, जो कि है, प्लीज डू नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे है प्लीज फॉर पोस्ट एनल टेल, डू फॉर है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, इसके बाद नोट से है नोटोकॉर्ड, एंड गिल्टी से है गिल स्लिट्स। ये चारों कैरेक्टर हैं जो कि कॉर्डेट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी, फेरिंग्स विद गिल स्लिट। तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में पाया जाता है। विच अमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन एक्वेटिक मैमल्स है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, वेल्स डॉल्फिन्स एंड सील्स, ये तीनों ही एक्वेटिक मैमल्स हैं। इसके अलावा ट्राइगन, ट्राइगन एंड शार्क, ये दोनों ही कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, इनमें से कौन हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, पेरिसो लैक्टेला, जो कि हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इक्विडी, ये हॉर्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एंड कैबालस, ये हॉर्स की सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड फेरस, ये हॉर्स की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन केस ऑफ पोरीफरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लेजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, पोरीफरेंस के केस में इनकी स्पंजोसील एक फ्लेजिलेटेड सेल से लाइंड रहती है, उसे क्या कहते हैं, ओस्कुला, क्वेनोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स, या फिर ओस्टिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, क्वेनोसाइट्स। तो क्वेनोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, या फिर स्पंजस में क्वेनोसाइट्स पाए जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, तो ये गलत है, क्योंकि सभी मैमल्स वीवी पैरस नहीं होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि नंबर 1 डक, बाइल्ड, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। तो ये दोनों ओवी पैरस, यानी कि अंडे देते हैं, जबकि ज़्यादातर मैमल्स बच्चे देते हैं। इसके बाद है बी ऑप्शन, ऑल साइक्लोस्टॉम्स डू नॉट पॉजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी साइक्लोस्टॉम्स में जॉस एंड पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एंड इसके बाद है ऑल पीसेस हैव गिल कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, ये भी गलत है, क्योंकि सभी पीसेस या फिर मछलियों में ओपरकुलम नहीं पाया जाता है, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है, बाकी ए सी एंड डी गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि बर्ड्स एंड मैमल्स में कॉमन नहीं है, विविपेराइटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, या फिर ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ए, विविपेराइटी, मीन्स बर्ड्स आर ओविपेरस जबकि मैमल्स आर वीवी पैरस,
क्योंकि बर्ड्स अंडे देती हैं जबकि मैमल्स बच्चे देते हैं। इसके अलावा बी सी एंड डी ये तीनों करैक्टर दोनों में कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द क्रॉस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है पॉजिटिव माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ कोर डेटा, तो ये गलत है क्योंकि सभी कोर डेटा में जॉ नहीं पाया जाता है। इसके बाद है थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टाइला, तो ये भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसके बाद है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्टिस, तो ये सही है। एंड लास्ट है वीवी पैरस ममेलिया, ये भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस एंड स्पाइनी, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। पैरापोडिया, जॉइंट अपेंडिसेस, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए पैरापोडिया। पैरापोडिया फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाए जाते हैं, ये एनिलिडा में पाए जाते हैं, एनिलिडा में पाए जाते हैं एंड लोकोमोशन एंड रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी हैविंग मैस वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लेजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, तो ये सभी कैरेक्टर किस फाइलम में पाया जाता है, मोलस्का, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा या फिर पोरीफेरा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी पोरीफेरा, यानी कि स्पंजिस, स्पंजिस में ये सभी कैरेक्टर पाया जाता है। अजोलेस फेस विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड वूस एमोसिस्ट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ऑशियनिस, यानी कि एक ऐसी बिना जबड़े की मछली जो कि साफ पानी में अंडे देती है, उसके बाद उसका एमोसिस्ट लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में लौट आता है। न्यूमाइसिन, पेट्रोमाइजन, एप्टेटेटस या फिर मिक्सिन, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी पेट्रोमाइजन, जिसे कि लैम्प्रे भी कहते हैं। लैम्प्रे भी कहते हैं और इसका लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में लौट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज सो विविपेराइटी, इनमें से कौन सा ह्यूमंस का एंडोपैरासाइट बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए ट्राइसिनेला स्पाइरेलिस, जो कि एक निमेटोड पैरासाइट है और ये यंगर लार्वा प्रोड्यूस करता है एंड ये एक बीमारी कोस करता है जिसे कहते हैं ट्राइसिनियोसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वीवी पैरस, इनमें से कौन सा एनिमल वीवी पैरस नहीं है, यानी कि बच्चे नहीं देता है। प्लेटिपस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स या फिर एलिफेंट, तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर है ए प्लेटिपस, इसका पूरा नाम है डक्ट बाइल्ड प्लेटिपस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, इनमें से ऐसा कौन सा करैक्टर है जिसके कारण इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े धरती पर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन, आइस, सेगमेंटेशन या फिर बाइलेटरल सिमेट्री, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए एक्सोस्केलेटन, क्योंकि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का बना होता है जो कि काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, इसी के कारण इंसेक्ट धरती पर आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन डेट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फाइलम है या टैक्सोन है जिसमें कि मैराइन यानी कि समुद्री और साफ पानी दोनों तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिपेलोकोडेटा या फिर निडेरिया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी निडेरिया, निडेरिया में समुद्री और साफ पानी दोनों तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं क्योंकि इसमें हाइड्रा को रखा गया है। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है जबकि इसमें मैक्सिमम एनिमल्स इसके समुद्री होते हैं, बाकी इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा एंड सिफेलोकोडेटा ये तीनों एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल, इनमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, सैक्रोमाइसिस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्लेनारिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनारिया में किसकी हाई कैपेसिटी पाई जाती है? मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बायोलुमिनेसेंस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, रीजनरेशन। प्लेनारिया में रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि यदि इसका कोई ऑर्गन या पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये उसे रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद अब मैराइन कार्टिलेजिनस फेस डेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एस, एक समुद्री कार्टिलेजिनस फेस जो कि करंट प्रोड्यूस करती है, प्रिस्टिस, टॉरपिडो, ट्राइगन या फिर स्कोलिडॉन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, टॉरपिडो। टॉरपिडो एक मैराइन कार्टिलेजिनस फिश है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है। इसके बाद विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, प्रान, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, ये तीनों आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्पंज पोरीफेरा से, सी एनिमोन सिलेंट्रेटा से, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से, मलेरियल पैरासाइट एंड अमीबा ये दोनों प्रोटोजोआ से, मॉस्किटो आर्थ्रोपोडा से, अर्थवाम एनिलिडा से, पिनवाम एसके हेलमेंथी से एंड टेपवाम प्लेटी हेलमेंथी से बिलोंग करता है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या फिर सिल्वर फिश। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर फिश, जिसे कि लैपिसमा भी कहते हैं, लैपिसमा भी कहते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, जबकि पफर फिश और फ्लाइंग फिश ये दोनों ही फिशिस से बिलोंग करती हैं, एंड कटल फिश मोलस्का से बिलोंग करती है और इसे सीपिया भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, इनमें से कौन सा ग्रुप के एनिमल्स हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? निडेरिया, पोरीफरा, प्रोटोजोआ या फिर टीनोफोरा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, टीनोफोरा, क्योंकि ये मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस होते हैं। इसके अलावा निडेरिया, निडेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है क्योंकि इनमें पोलिप फॉर्मेशन होता है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा के द्वारा होता है, जबकि पोरीफेरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स के द्वारा होता है, जैम्यूल्स के द्वारा होता है, एंड प्रोटोजोआ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल सिनगैमी एंड कंजुगेशन के द्वारा होता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। इसके बाद है फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डराइव नरिशमेंट फ्रॉम, फेरेटिमा यानी कि अर्थवाम और उसके संबंधी अपना नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करते हैं? सुगरकेन रूट्स, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल इंसेक्ट या फिर स्मॉल पीस ऑफ फ्रेश फॉलन लीफ ऑफ मेज एटसेट्रा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए फेरेटिमा या अर्थवाम को ओमनीवायरस, ओमनीवोरस माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिना एक्सेप्शन के सही है। पहला है ऑल रेप्टाइल्स पॉसेस स्केल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड। तो देखिए सभी रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है, इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसके बाद है ऑल बोनी फिश हैव फोर पेयर ऑफ गिल एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है ऑल स्पंजेस आर मैराइन एंड हैव कोलाइड सेल्स। तो ये भी गलत है क्योंकि इसका एक्सेप्शन है स्पंजिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है। एंड लास्ट है ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीथिंग। ये भी गलत है क्योंकि सभी मैमल्स विविपेरस नहीं होता है, इसके एक्सेप्शन है प्लेटिपस, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर।
जो कि ओवीपेरस होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये भी क्वेश्चन वही है, तो यहाँ भी हमसे बिना एक्सेप्शन के कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रेप्टाइला पॉसेस थ्री चैम्बर हर्ट, तो ये गलत है क्योंकि रेप्टाइला में क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर हर्ट पाया जाता है। कॉर्डेटा पॉसेस अ माउथ विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ, ये भी गलत है क्योंकि सभी कॉर्डेट में जॉ नहीं पाया जाता है। सी है कॉन्डक्टिस पॉसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो ये सही है। एंड लास्ट है ममेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, ये भी गलत है क्योंकि सभी मैमल्स बच्चे नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड डेट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनसेस, यानी कि ऐसा एनिमल जिसमें उसके आउटसाइड में सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है, ऑक्टोपस एस्ट्रिस एस्किडिया या फिर फेसियोला। तो आप इसका सही आंसर होगा डी फेसियोला, जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है एंड सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है, उसमें सिंगल ओपनिंग जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन सा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्लेटवॉर्म्स स्पंजेस टीनोफोर्स या कोरल्स। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, तो देखिए जर्म्स लेयर्स दो टाइप की होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है एंड एक इंटरनल एंडोडर्म होती है, उसके बीच में एक मीजोग्लिया पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं स्पंजेस यानी कि पोरीफ्रा सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा इन तीनों में डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इसमें एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेलमेंथीज एस्केहेलमेंथीज एनेलेट्स आर्थोपोड्स मोलक्स इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट, इन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा ए फ्लैटवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। इसके अलावा स्पंजेस में टीनोफोर्स में एंड कोरल्स में डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, तो देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है राउंड वॉर्म्स या एस्केहेलमेंथीज आर सीडोसिलोमेट, तो ये सही है क्योंकि राउंड वॉर्म्स या एस्केहेलमेंथीज सीडोसिलोमेट होते हैं। मोलक्स आर एसिलोमेट, तो देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए सिलोम द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीसोडर्म ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड सिलोम, तो सिलोम को तीन पार्ट में बांटा गया है एसिलोमेट सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो एसिलोमेट यानी कि अब्सेंस ऑफ सिलोमेट, एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उन्हें एसिलोमेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटी हेलमेंथीज, इन तीनों में सिलोम नहीं पाई जाती है इसलिए इन्हें एसिलोमेट्स कहते हैं। इसके बाद है सीडोसिलोमेट, इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीसोडर्म, इसके अलावा इसमें मीसोडर्म स्केटेड पाउचेस के रूप में पाई जाती है इसलिए इन्हें सीडोसिलोमेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एसके हेलमेंथीज, केवल एसके हेलमेंथीज में सीडोसिलोमेट देखने को मिलती है। एंड लास्ट है सिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोम, ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सिलोम या फिर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, और बाकी सभी एनिमल्स सिलोमेट्स होते हैं जैसे कि एनेलेट्स मोलस्क आर्थोपोड्स इकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। तो ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि राउंड वर्म्स या एस्केहेलमेंथीज सीडोसिलोमेट होते हैं जबकि मोलस्का आर सिलोमेट इंसेक्ट आर सिलोमेट एंड फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट। अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, यानी कि क्रोकोडाइल और पेंगुइन डॉगफिश और व्हेल के सिमिलर होते हैं कुछ फीचर में, तो वो कौन सा फीचर है। पॉजेस आर सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच पॉजेस बोनी स्केलेटन या फिर हैव गिल्स लेट एट सम स्टेज, तो देखिए ये चारों ही कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं एंड कॉर्डेट्स में फोर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि सभी में कॉमन होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपको याद रखना है प्लीज डू नॉट गिल्टी,
इसमें प्लीज से है पोस्ट एनल टेल, डू से डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नोट से नोटोकॉर्ड एंड गिल्टी से गिल स्लेट। तो ये सभी करैक्टर सभी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, हैव गिल स्लेट एट सम स्टेज। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें से कौन से एनिमल बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर है ए, एस के हेलमेंथीज, राउंड वार्म। इसके बाद, इफ अ लाइव अर्थ वार्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल ऑन इट्स आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स कट द फ्लूड डैट कम्स आउट इट। यदि किसी अर्थ वार्म को किसी निडल से प्रिक किया जाए बिना उसकी गट को डैमेज किए, तो उनमें उसमें से कौन सा फ्लूड बाहर आएगा? सिलोमिक फ्लूड, हिमोलिम्फ, स्लिमी म्यूकस या फिर एक्सक्रिटरी फ्लूड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, सिलोमिक फ्लूड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टाइलन एंसेस्ट्री। इनमें से कौन सा कैरेक्टर दर्शाता है कि बर्ड्स का जन्म रेप्टाइलन से ही हुआ है? टू स्पेशल चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एग विद अ कैलकेरियस सेल, स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स या फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइलम एनिलिडा का नहीं है? तो ऑप्शंस हैं सीडोसिलोम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सेगमेंटेशन। तो देखिए, फाइलम एनिलिडा के एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है एंड इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, सीडोसिलोम, जो कि गलत दिया है, क्योंकि सीडोसिलोम्स आर एस के हेलमेंथीस, क्योंकि एस के हेलमेंथीस में सीडोसिलोम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू में क्या कॉमन है? तो ऑप्शंस हैं टूथलेस जॉस, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओवो पैराइटी या फिर होमियोथर्मी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, होमियोथर्मी। ये सभी होमियोथर्मिक हैं क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं और होमियोथर्मी के अंदर दो फाइलम्स आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपको ऑप्शंस में मिलते हैं बर्ड्स या मैमल्स, तो आपको आंसर लगाना है होमियोथर्मिक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। तो नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दे आल पॉसेस डोर्सल हर्ट, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे आल बिलोंग टू द सेम फाइलम या फिर दे आल हैव जॉइंट पेयर्ड अपेंडिसेस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, दे आल पॉसेस डोर्सल हर्ट। इन सभी में डोर्सल हर्ट पाया जाता है और इनमें से नेरिस एक एनिलिडा से बिलोंग करता है जबकि बाकी सभी ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। बाय रेडियल सिमेट्री एंड लेक ऑफ नीडोब्लास आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी किन में बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और नीडोब्लास नहीं पाए जाते हैं? हाइड्रा एंड स्टारफिश, स्टारफिश एंड सी एनिमोन, टीनोप्लेना एंड बिरोए, ओरेलिया एंड पैरामिसियम। तो आप इसका सही आंसर होगा सी, टीनोप्लेना एंड बिरोए। ये दोनों ही टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं और इनमें स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है जिन्हें निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सैंडीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब। ऐसे दो कौन से कॉमन कैरेक्टर हैं जो कि सैंडीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, जॉइंट लेग एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि आर्थोपोडा का यूनिक कैरेक्टर है, आर्थोपोडा का यूनिक कैरेक्टर है और ये तीनों ही आर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। इनमें जॉइंट लेग्स यानी कि जॉइंट अपेंडिसेस पाए जाते हैं और इनका एक्सोस्केलेटन काइटीन का बना होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से चार एनिमल्स हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि अंडे नहीं देते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, कंगारू, हैगेडोग, हैगेहोग
डॉल्फिन एंड लॉरिस, क्योंकि ये चारों मैमल्स हैं एंड मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर जो कि ओवीपेरस होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन एक लिविंग फॉसिल या लिविंग जीवाश्म नहीं है? पेरिप्लेटस, किंग क्रैब, स्पेलेडोन या फिर आर्कियोप्टेरिस। तो अब इसका सही आंसर होगा डी, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस एक लिविंग फॉसिल नहीं है क्योंकि ये लुप्त हो चुका है और हमसे यहाँ पूछा है लिविंग। इसके अलावा किंग क्रैब, पेरिप्लेटस एंड स्पेलेडोन ये तीनों ही लिविंग फॉसिल है, यानी कि लिविंग जीवाश्म है। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, किसके केस में एनुअल माइग्रेशन नहीं होता है? आर्टिक टर्न, सैल्मॉन, साइबेरियन क्रेन या फिर सेलामेंडर। तो देखिए, एनुअल माइग्रेशन यानी कि सीजनल मूवमेंट, ये जो कि ज़्यादातर बर्ड्स में देखने को मिलता है, वह किसी पर्टिकुलर मौसम में अपने जगह को, अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे एनुअल माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, सेलामेंडर, जो कि एक एम्फीबियन है, इसमें एनुअल माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड रहता है। अगला क्वेश्चन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इनमें से किन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है? मोलस्क एंड कॉर्डेटा, प्लेटीहेलमेंथीस एंड आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा या फिर एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो सही आंसर होगा डी, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, ऐसे तीन फाइलम हैं जिनमें कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कोर डेटा, इन तीनों में ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा टी, मोलस्का, लोगिगो, टेरेडो एंड ऑक्टोपस, यानी कि लोगिगो, टेरेडो एंड ऑक्टोपस मोलस्का से बिलोंग करते हैं एंड मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और उनमें सेल पाई जाती है एंड इनमें मस्कुलर फुट भी पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा, नोटिलुका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, तो इन सभी में क्या कॉमन है? दीज आर आल पैरासाइट, दीज आर आल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दे हैव फ्लेजिला या फिर दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, दीज आर आल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलेट्स द प्लेटीहेलमिंथीस शो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या फिर प्रेजेंस ऑफ सीडोसेल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथीस में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, यानी कि ये असीलोमेट होते हैं, ए सीलोमेट्स होते हैं। लेकिन इन दोनों में, एनिलेट्स और प्लेटीहेलमिंथीस, इन दोनों में ही बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, तो मैं देख लिया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला है, प्राण हैज टू पेयर ऑफ एंटेना, तो उसका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि प्राण में ओनली वन पेयर ऑफ एंटेना पाए जाते हैं जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इसके बाद है, निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम निडेरिया, ये सही है। मिलीपीड्स हैव टू पेयर ऑफ अपेंडिसेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरीफेरा आर मेराइन एंड फ्रेश वाटर, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका केवल पहला ऑप्शन गलत दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज अ मैक्रोन्यूक्लियस फॉर ट्रॉपिक फंक्शन एंड वन और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक मैक्रोन्यूक्लियस एंड एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है? यूक्लिना, अमीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिप्नोसोमा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, पैरामीशियम। पैरामीशियम में मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास ममेलिया, इनमें से कौन सा करेक्टर क्लास ममेलिया का नहीं है? थिकोडॉन डेंटिशन, एल्वियोलर लंग्स, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स या फिर 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द एनिमल्स विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें यंग स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है जबकि उनके एडल्ट स्टेज में पेंटामेरस सिमेट्री होती है, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? एनिलिडा,
मोलस्का, निडेरिया या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर है डी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में उनकी यंग स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री जबकि उनके अडल्ट स्टेज में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। यूरिकोटेलिन्स इज फाउंड इन, यानी कि इनमें से कौन से एनिमल्स यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स, फिश एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स, बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, या फिर फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, बी आई आर डी, बर्ड, जिसमें बी फॉर बर्ड, बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट्स, आर फॉर रेप्टाइल्स एंड डी फॉर डेजर्ट, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये सभी यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिज्म होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ये तीनों ही यूरिकोटेलिज्म है क्योंकि ये तीनों यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी यूनिक फीचर ऑफ द ममेलियन बॉडी। ममेलियन बॉडी का इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है? होमियोथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, फोर चैम्बर्ड हार्ट या फिर रिब केज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम केवल ममेलियंस बॉडी में पाया जाता है, बाकी होमियोथर्मी, फोर चैम्बर हार्ट एंड रिब केज ये कई सारे फाइलम्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओमेटेडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन, कॉकरोच, फ्रॉग, ह्यूमंस या फिर सनफ्लावर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, कॉकरोच। कॉकरोच में ओमेटिडिया पाए जाते हैं जो कि फोटो रिसेप्शन में हेल्प करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फिनोमिना इट एग्जिबिट। तो देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। पहला ऑप्शन है फेरेटिमा, यहाँ पे दिया है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो इसका पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड है मस्का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो मस्का में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है क्योंकि इसमें फोर स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। गिवन बिलो आर फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे हमें चार मैचिंग दी है रेस्पायरेटरी ऑर्गन के साथ में, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला है सिल्वर फिश, यहाँ पे दिया है ट्रेकिया, तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि सिल्वर फिश में ट्रेकिया द्वारा रेस्पायरेशन होता है। स्कॉर्पियन, बुक लंग्स, ये भी सही है क्योंकि स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू में उसका रेस्पायरेशन बुक लंग्स द्वारा होता है। सी स्क्वायर्ड, फेरेंजियल सेल्स, ये भी सही है। एंड लास्ट है डॉल्फिन, तो यहाँ पे दिया है स्किन, तो ये गलत है क्योंकि डॉल्फिन में लंग्स पाया जाता है और इसमें रेस्पायरेशन लंग्स द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, ए बी एंड सी ऑप्शंस आर राइट। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज अब्सेंट। इनमें से कौन से एनिमल में नर्व सेल पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है? स्पंज, अर्थवर्म, कॉकरोच या फिर हाइड्रा। तो आप इसका सही आंसर होगा डी, हाइड्रा। हाइड्रा में नर्व सेल पाई जाती है लेकिन इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट या फाउंड। इनमें से कौन से एनिमल में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो आप इसका सही आंसर होगा डी, पैरामीसियम क्वाडिटम। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनमें से इसका एक न्यूक्लियस लार्ज होता है और दूसरा न्यूक्लियस स्मॉल होता है। इनमें से इसका लार्ज न्यूक्लियस इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जबकि इसका स्मॉल न्यूक्लियस इसके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनमें से किसमें नोटोकॉर्ड उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है? ऑल कॉर्डेट्स, सम कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ए, ऑल कॉर्डेट्स। सभी कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है लेकिन लोअर कॉर्डेट्स में इनकी पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है जबकि हायर वर्टिब्रेट्स में ये इनके यंग स्टेज में या फिर इनकी अडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कोलम से रिप्लेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीसियम द ऑर्गन ऑफ ओस्मोरेगुलेशन इज। यानी कि प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा और पैरामीसियम में ओस्मोरेगुलेशन का ऑर्गन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर फूड वैक्यूल। तो आप इसका सही आंसर होगा
ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो कि ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड। इनमें से कौन से एनिमल में हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है? एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, इंसेक्टा या फिर मोलस्का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा टी मोलस्का। मोलस्का में हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है जिसमें कि कॉपर पाया जाता है, इसी कारण उसका कलर ब्लू होता है एंड ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड। इनमें से कौन से एनिमल में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है? अर्थवर्म, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्कॉर्पियन या फिर स्नेक। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा डी स्नेक में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल आर रिमूव रेस्पेक्टली थ्रो। हाइड्रा में डाइजेशन से होने वाला वेस्ट मटेरियल और नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू रिमूव होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं माउथ एंड माउथ, बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल, माउथ एंड बॉडी वॉल या फिर माउथ एंड टेंटिकल्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी माउथ। माउथ से होता है फूड डाइजेशन का और बॉडी वॉल से नाइट्रोजनस वेस्ट का। क्लीवेज इन मैमल्स इज। मैमल्स में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है? होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, सुपरफिशियल या फिर डिस्कोडियल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी होलोप्लास्टिक अनइक्वल, क्योंकि मैमल्स में माइक्रोलेसिथल एग पाए जाते हैं जिसमें कि पूरे एग में सेगमेंटेशन होता है, तो इसलिए ये होलोब्लास्टिक होता है। लेकिन इससे दो ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होते हैं जो कि अनइक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर है बी होलोब्लास्टिक अनइक्वल। सिमिलरिटी इन एस्केरिस एंड एनाफ्लिस इज। एस्केरिस और एनाफ्लिस में क्या सिमिलरिटी है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेटामेरिज्म, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर एंडो पैरासाइटिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ बोन ऑफ फ्रॉग इज कैप्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा यदि फ्रॉग की बोन को डाइल्यूट HCl में रखा जाए? विल बिकम फ्लेक्सिबल, विल टर्न ब्लैक, विल ब्रेक इनटू पीसेस या फिर विल श्रिंक। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज ट्रू फॉर ममेलिया। इनमें से मैमल्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है प्लेटिपस इज ओविपेरस, तो उसका पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि प्लेटिपस एक ओविपेरस है यानी कि ये अंडे देता है जबकि बाकी मैमल्स बच्चे देते हैं। बैट है फेदर, तो ये गलत है क्योंकि बैट के पास पंख नहीं होते हैं। एलिफेंट इज ओवोविविपेरस, ये भी गलत है क्योंकि एलिफेंट विविपेरस है ना कि ओवोविपेरस। डायफ्राम इज अब्सेंट इन देम, तो ये भी गलत है क्योंकि मैमल्स में डायफ्राम पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका केवल पहला ही ऑप्शन सही है। एक्वेटिक रेप्टाइल्स आर, पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स होते हैं। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इन वाटर, एमोनोटेलिक या फिर यूरियोटेलिक ओवरलैंड। तो देखिए रेप्टाइल्स जब धरती पर रहते हैं तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो उस समय उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जबकि जब ये पानी में रहते हैं तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उस समय इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी यूरियोटेलिक इन वाटर। टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर, यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक, होमियोथर्मिक, एक्वेटिक या फिर डेजर्ट लिविंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए पोकिलियोथर्मिक, ऐसे एनिमल जो कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज करने पर अफेक्ट होते हैं उन्हें पोकिलियोथर्मिक कहते हैं, जबकि ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार रेगुलेट कर लेते हैं तो उसे होमियोथर्मिक कहते हैं। और इसमें आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। द कैनाल सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकाइनोडर्म्स, स्पंजेस, हेलमेंट्स या फिर सिलेंटेट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी स्पंजेस, कैनाल सिस्टम स्पंजेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। इनमें से क्या है जो कि बर्ड्स में नहीं पाया जाता है? पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, हाइंड लिंब या फिर फोर लिंब। तो आप जानते हैं बर्ड्स में फोर लिंब नहीं पाई जाती है क्योंकि वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है। द लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पासेस, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि उनकी लंबी हड्डियां खोखली होती हैं और आपस में एयर पासेस द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये सभी किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? रेप्टाइला, लैंड वर्टिब्रेट्स, एवीज या फिर मैमल्स। तो आप जानते हैं ये कैरेक्टर्स बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी एवीज, जिसके अंदर बर्ड्स आती हैं। तो बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती है जिससे उनमें एयर का पासेस आसानी से हो सके और इसी कारण वो आसमान में उड़ पाती हैं।
सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, सोलेनोसाइट्स किसका मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इकाइनोडर्मेट्स, प्लेटीहेलमिंथीस, एनेलेट्स या फिर मोलस्क। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटीहेलमिंथीस, और इन्हें फ्लेम सेल भी कहते हैं, यानी कि सोलेनोसाइट्स को फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज, मेटामॉर्फोसिस, न्यूटेनी, मेटाजेनेसिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, मेटाजेनेसिस। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है और ओबेलिया सिलेंटेटा से बिलोंग करता है। द लोअर जॉ इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ, मैमल्स में उनका लोअर जॉ या निचला जबड़ा किसका बना होता है, डेंट्री, मैक्सेल्स, एंगुलर्स या फिर मैंडिबल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, डेंट्री। मैमल्स का लोअर जॉ डेंट्री का बना होता है। व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनीबी। तो इन चारों में क्या कॉमन है, जॉइंटेड लेग्स, मेटामॉर्फोसिस, कंपाउंड आइज या फिर पॉइजन ग्लैंड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, जॉइंटेड लेग्स। इन सभी में जॉइंटेड अपेंडिसेस पाया जाता है क्योंकि ये सभी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं। व्हेन एन एनिमल हैज़ बोथ द कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा एनिमल जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, सुपर फीमेल, सुपर मेल, इंटरसेक्स या फिर गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, गाइनेंड्रोमॉर्फ, और इसे हर मैफ्रो डाइट भी कहा जाता है। सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम किसके बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, मीसोडर्म एंड बॉडी वॉल, यानी कि एंडोडर्म और मीसोडर्म के बीच में सिलोम पाई जाती है जो कि एक फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है। न्यूमेटिक बोन इज फाउंड इन, इनमें से किस में न्यूमेटिक बोन यानी कि खोखली बोन पाई जाती है, सार्क, राना, पीजन या फिर व्हेल। तो आप जानते हैं बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, पीजन, पीजन में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल, यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाया जाता है, युगलिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, युगलिना, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं क्योंकि युगलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद द ऑस्ट्रस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑस्ट्रस साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ह्यूमन फीमेल्स ओनली, ममेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, ह्यूमन मेल्स ओनली या फिर ममेलियन मेल्स अदर देन प्राइमेट्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, ममेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट्स को छोड़कर ममेलियन फीमेल्स में ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन, द पोजिशन ऑफ टू पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडिसेस, द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट।